टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की टॉप 5 खबरों की। मदनपुरा में गिरा इमारत का हिस्सा, जनशताब्दी एक्सप्रेस में लगी आग, मुमरा में हॉकर्स पर हुई कार्रवाई, चोर को एटीएम में बंद किया, महिला ने शराब के नशे में सांप को लपेटा हाथ। ये सब खबरें देखिए हमारे आज के टॉप 5 में। मगर सबसे पहले आपको बताते हैं, मुंबई के मदनपुरा इलाके में एक इमारत का कुछ हिस्सा आज शाम के वक्त अचानक गिर गया। जिस इमारत का हिस्सा गिरा है उस इमारत का नाम सिराज बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इमारत खाली थी, हादसा आज शाम के वक्त हुआ है। आज देहरादून जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे में अचानक आग लग गई। जानकारी के मुताबिक ट्रेन के एक डब्बा जलकर राख हो गया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जनशताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से देहरादून जा रही थी और हरिद्वार के पास की आग की घटना हुई। मुमरा में आज हॉकर्स पर मनपा ने कार्रवाई की। ये कार्रवाई अंबाजी मेडिकल के पास की गई है। रोड किनारे हाथगाड़ी लगाने वाले हॉकर्सों पर मनपा ने कार्रवाई की। इस दौरान कई हाथगाड़ियों को मनपा ने जब्त किया है। वसई में एक चोर एटीएम तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था, तभी एक महिला की नज़र इस पर पड़ गई और शटर महिला ने नीचे गिरा दिया। इसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने एटीएम में बंद चोर को गिरफ्तार कर लिया है। चारों तरफ महिला की प्रशंसा हो रही है। महाराष्ट्र के लासलगांव में शराब के नशे में मंगेश गायकवाड़ नाम के एक शख्स ने कोबरा सांप को पकड़ लिया और उसे अपने हाथ पर लपेट लिया। इस दौरान कोबरा सांप ने मंगेश को करीब 4 बार काट लिया। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मंगेश गायकवाड़ नाम का एक इंसान जिसने सांप को, मतलब जो कोबरा, इंडियन कोबरा, उसको पकड़ लिया, वो दारू के नशे में उसने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वो दिखा रहा था लोगों को, दिखाते समय उसको 4 बार सांप ने काट लिया। उसके बाद उसकी परिस्थिति बहुत गंभीर थी, इसीलिए उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। वन विभाग ने उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए उसके ऊपर POR भी दर्ज किया है। वन विभाग आगे की कार्रवाई करेगा, लेकिन उसका तबीयत ठीक होने तक वो इंतज़ार करेंगे हम लोग। और मैं सब लोगों को एक अनुरोध करना चाहूँगा कि कोई भी लोग अगर कहीं भी कोबरा दिखे या कोई भी वन्य प्राणी दिखे, तो सबसे पहले 1926 जो टोल फ्री नंबर है वन विभाग का, उसके ऊपर कॉल करके माहिती दे, इन्फॉर्मेशन दे के ऐसे ऐसे वन्य प्राणी यहाँ पे है। उसके बाद कोई भी लोग अगर वो ट्रेन नहीं है तो उसको प्लीज़ उसको हाथ मत लगाइएगा, वो अटैक कर सकते हैं आपके ऊपर, और जो भी वन्य प्राणी है उसको भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए सब लोगों ने उससे बच के रहना चाहिए।